प्राइम इंपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निशा सरोज, आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सिद्धार्थनगर जिले के 21वां स्थापना दिवस आज मनाया गया, जहां इस अवसर पर प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सांडी तिराहे पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर इसकी शुरुआत की। बाद में प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और सांसद जगदम्बा पाल कपिल वास्तु स्थित गौतम बुद्ध के स्पुत गए, वहाँ भी आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और वहाँ मौजूद गौतम बुद्ध के अन्य युवाओं बुद्ध बिछाओं में कम्बल वितरण किया। इस अवसर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौतम बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत को जीवन शील में उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध की शिक्षा को अगर हर कोई अपने जीवन में उतार ले तो मानव जाति का कल्याण निश्चित है। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा मंत्री और सिद्धार्थनगर जनपद के इटावा विधानसभा के विधायक सतीश द्विवेदी ने कहा कि कपिल वस्तु का विकास अन्य गौतम बुद्ध में संबंधित जगहों कुशीनगर श्रवस्ती की तरह करने के लिए वे लोग कटिबद्ध है। योगी की सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने चाहती है और इस ओर अग्रसर भी है। जल्द ही सिद्धार्थनगर का पर्यटक स्थल कपिल वास्तु भी गौतम बुद्ध अनुयु के लिए मानचित्र पर अपना स्थान स्थापित कर लेगा और यहां भी बुद्ध अनुयायियों के लिए यहां सारी सुविधाएं मिलेगी जो अन्य बौद्ध स्थलों पर उपलब्ध है। सोना चाहिए आज 31वां हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे होटल या रहने की व्यवस्था इस तरह की नहीं है। सर, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि इस प्रदेश में बहन मायावती जी चार चार बार मुख्यमंत्री रहीं और हमेशा भगवान बुद्ध का नाम लेकर राजनीति करती रहीं, लेकिन उनके समय में भी समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कपिल वस्तु का और इस जनपद का जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब हमारी सरकार प्रयास कर रही है, हमारी मोदी सरकार का पर्यटन मंत्रालय भी यहाँ के विकास को लेकर, राज्य सरकार का पर्यटन मंत्रालय भी यहाँ हेलीपैड रेस्ट हाउस आदि की व्यवस्था कर रहा है और आगे हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से कुशीनगर का विकास हुआ है, जिस तरह से श्रावस्ती में हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है, उसी तरह का इस स्थल का भी विकास हो, इसके लिए प्रयास हमारी सरकार कर रही है। सिद्धार्थनगर से संतोष गुप्ता की एक रिपोर्ट।